क्या सच में अधीरा ने करवाया था गरुड़ा पर हमला? कौन था केजीएफ का असली विलेन? किसकी वजह से हुआ था केजीएफ तबाह? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करिए इससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए इस जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठा लीजिए। तो दोस्तों, अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। KGF चैप्टर 2 में सबसे बड़ा विलन अधीरा को बताया गया है, लेकिन KGF चैप्टर 2 में सबसे बड़ा विलन अधीरा नहीं था, कोई और ही था। और अगर रॉकी उसे पहचान लेता तो रॉकी और KGF कभी खत्म नहीं होते। तो कौन है वो असली विलन KGF का, हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि अधीरा कौन था। आपको बता दें दोस्तों कि अधीरा सूर्यवर्धन का भाई और गरुणा का चाचा था। वो बहुत शक्तिशाली और निडर भी था और अधीरा का ऐसा बनने का कारण वाइकिंग्स थे, क्योंकि वो बचपन से ही वाइकिंग्स का फैन था। इसीलिए वो वाइकिंग्स कबीले की क्रूरता और नीति को अपना करके ताकतवर बन गया था और इसीलिए अधीरा का लुक भी वाइकिंग्स से ही इंस्पायर्ड था। खैर, अधीरा चाहे कितनी भी ताकतवर बन जाए, लेकिन वो अपने भाई के लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदार था दोस्तों। जी हाँ, आपको बता दें कि इसीलिए सूर्यवर्धन को जब केजीएफ मिला था तब अधीरा ने सूर्यवर्धन को काफी हेल्प की। वो लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर लाता और केजीएफ में माइनिंग करवाता था, और जो कोई भी उसके या उसके भाई के खिलाफ जाने की कोशिश करता उसे अधीरा अपनी तलवार से चुप करवा देता था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दया नाम का वर्ड तो अधीरा को बिल्कुल भी पता ही नहीं था। ये हम अधीरा के फेस टैटू से देखकर ही समझ सकते हैं, मतलब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अधीरा कौन था और कैसा था। वो ताकतवर और लाशों का ढेर लगाने वाला खूंखार जरूर था और गुंडा भी था, पर वो अपने भाई सूर्यवर्धन के लिए बहुत ही ज्यादा ईमानदार यानी ऑनेस्ट था। अब सवाल यहाँ ये आता है कि क्या सच में उसने गरुड़ा पर हमला करवाया था? तो दोस्तों, इसका जवाब है ना, बिल्कुल नहीं। अरे नहीं भाई, हम सब ने देखा था ना कि जब सूर्यवर्धन बीमार पड़ा हुआ था तब सूर्यवर्धन कहता है कि अधीरा को चालाकी और गद्दारी नहीं आती, इसीलिए वो काफी पीछे रह गया। तो जैसे ईमानदारी से उसने अपने भाई का साथ दिया था, वैसे ही अब वो गरुड़ा का साथ देगा। तो यहाँ अधीरा ने भी एक शब्द बोले बिना अपने भाई की बात चुपचाप मान ली। तो ऐसे कह सकते हैं कि वो अपने भाई के लिए बहुत ही ईमानदार था। तो कैसे वो अपने भाई को दिया वादा तोड़कर गरुड़ा पर हमला करेगा, बताओ? तो अब सवाल आता है कि कौन था जिसने गरुड़ा पर अटैक किया, और जब गरुड़ा ने अधीरा पर अटैक किया तो अधीरा वहां से कैसे बचा? तो देखो, जब से सूर्यवर्धन बीमार पड़ा था तब से एक पाखंडी चोरी चुपके अपनी चाल चल रहा था और किसी को भी इसकी खबर नहीं थी, और वो है गुरु पांड्यन। जी हाँ दोस्तों, हमने तो पहले ही कहा था कि ये भाई साहब भरोसे के बिल्कुल लायक नहीं है। सूर्यवर्धन गरुड़ा को केजीएफ का सिंहासन देते ही गुरु पांड्यन गरुड़ा के ऊपर अटैक करवा देता है और सारा इल्जाम अधीरा के ऊपर लगाता है, जबकि अधीरा को तो इस बात की खबर तक नहीं थी, कोई भनक ही नहीं थी इसको। और फिर गरुड़ा भी भड़का और उसने अधीरा के ऊपर हमला करवाया, और यहां पर गुरु पांड्यन ने वापस से अपनी चाल चलते हुए अधीरा को पहले ही कार से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं ना कि किसने करवाया था गरुड़ा पर हमला और अधीरा अभी तक जिंदा आखिर कैसे था। पर एक बात समझ नहीं आ रही है कि इतनी चाल चलने के बाद भी गुरु पांड्यन को मिला क्या, सिर्फ गोली? रॉकी खुल्लम खुल्ला पार्लियामेंट में आकर रमिका सेन के सामने उसे मार करके आ गया, और गुरु पांड्यन ने इतना ही नहीं और भी कई सारे खेल खेले हैं, जैसे रॉकी के बारे में एंड्रयू को बताकर उसे केजीएफ में भेजना, केजीएफ में गरुड़ा को मारने के बाद अधीरा को बुलाना और केजीएफ के अंदर छुप करके घुसने का रास्ता तक बताना,
मतलब ये है दोस्तों कि अधीरा तो यूं ही बैड नेम बना हुआ है, जी हाँ मतलब बदमाश बना हुआ है, बदनाम हुआ है, और असली खिलाड़ी तो गुरु पांडियन है, जिसकी वजह से अधीरा और गरुणा को बीच में उसके दरार आ जाती है। और आपको बता दें कि इसी की वजह से रॉकी केजीएफ में आया और इसी की वजह से अधीरा वापस केजीएफ के अंदर गया। मतलब सारे कांड का मास्टरमाइंड गुरु पांडियन ही था। तो अब सवाल आता है कि क्या सच में अधीरा को केजीएफ का लालच था? तो जवाब है नहीं, अधीरा को केजीएफ का कोई लालच नहीं था, क्योंकि अगर उसने केजीएफ का लालच उसके अंदर होता तो वो खुद गरुड़ा पर हमला करता और उससे ऐसे छीन लेता तुरंत, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद जब गरुड़ा ने उससे उस पर हमला करवाया तब भी उसने गरुड़ा पर हमला नहीं किया और खुद ही अंडरग्राउंड हो गया। अब आपके माइंड में ये बात आ रही होगी कि जब गरुणा को लालच नहीं था तो अधीरा क्यों केजीएफ में आया? तो इसका जवाब है कि जब तक अधीरा के अपने केजीएफ पर राज कर रहे थे तब तक अधीरा केजीएफ में नहीं आया। जैसे ही रॉकी जो बाहर वाला है वहां आया तो अपना हक वापस लेने के लिए अधीरा केजीएफ आया और शहीद हो गया। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि केजीएफ को खत्म करने वाला गुरु पांडियन ही था, और अगर रॉकी सही टाइम पर गुरु पांडियन जैसे सांप को पहचान नहीं लेता तो कभी भी केजीएफ तबाह नहीं होता और ना ही उसको अपना सारा सोना लेकर समुंदर में जाना पड़ता और ना ही रमिका सेन उसका कुछ बिगाड़ सकती और ना ही रीना भी अभी मौत के मुंह में जाती और जिंदा होती और वो अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ बिता रहा होता। लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका और गुरु पांड्या ने केजीएफ और रॉकी को खत्म कर दिया। आपका इस पर क्या कहना है हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आपको ये पूरी स्टोरी, इसके कॉर्नर्स कैसे लगे हमें बताइए, आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए बॉलीग्रैड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। आपसे मिलती हूँ मैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।